हाय गाइस, फिर से मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ। मेरा टॉपिक का नाम है टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज फ्रॉम 2008 टू 2008 टू 2018 तक। तो आपको एक नया इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसा टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज आप देखेंगे, जैसा 2008 में टॉप ट्रेड में कौन कौन थे, जैसा यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, चाइना, जापान। और चाइना ने ओवरटेक किया है जर्मनी को, और बाकी के कंपनी हांगकॉन्ग चाइना ने ओवरटेक किया है। इंडिया भी 16 नंबर पे था, 16 से 11 नंबर पे है। तो ये सब चीज़ जानेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद दैट। तो मेरा सेकंड पीपीटी है, आप देखेंगे जैसा वर्ल्ड जीडीपी और मर्चेंडाइज ट्रेड इन वॉल्यूम कितना है। जैसा एक्सपेक्ट किया है कि 19 और 20 में 2.6 करेगा ग्रोथ, और 3% करेगा ग्रोथ 2020 में। और ग्लोबल जीडीपी में लास्ट वीडियो में भी बताया था जैसा वो 2.6 और 2.6% से ग्रो करेगा। ओके, इसका हाईलाइट जो है वो देख लेते हैं। जैसा ये टॉप ट्रेड जो है कंपनी, उसमें से कौन कौन टॉप कंट्रीब्यूट करता है। जैसा टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनी जो कंट्रीज है वो 52% ट्रेडिंग ट्रेड कर शेयर करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूट 44% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और एशियन कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट 34%। और एशियन कंट्रीज का जो शेयर है पहले 28% था इन 2008 में, और अभी वो इंक्रीज हुआ है बाई 6% टू 34% इन 2018। ओके, एंड चाइना इज बीइंग द टॉप लीडर और टॉप ट्रेडर इन ईयर 2018। सो विद दैट, और मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ चार्ट के साथ। एशियन कंट्रीज 28% था और 2018 में 34% हुआ है। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो 72% था और कम होकर 66% हुआ है 2018 में। जैसा आपने चार्ट देखा देखा देख लीजिए, जैसा एशियन कंट्री 28% था 2018 में, और अभी एशियन कंट्रीज का इंक्रीज हुआ है शेयर 6%, 34% हुआ है इन 2018 में। ओके, तो विद दैट जो लास्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है जो लीडिंग कंट्रीज ऑफ फ्यूचर सर्विस 2008 में क्या था सिचुएशन और 2018 में क्या है अभी सिचुएशन। सर 2008 में था यूनाइटेड स्टेट्स, अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट नंबर पे है टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज में। जर्मनी जो था सेकेंड में, वो डाउनग्रेड हुआ है और थर्ड पोजिशन में गया है। और चाइना ने सेकेंड पोजिशन ले लिया, ओवरटेक कर दिया जर्मनी को। जापान फोर्थ पोजिशन में ये सेम पोजिशन मेंटेन कर रहा है। फ्रांस भी मेंटेन कर रहा है, यूके भी सेम पोजीशन मेंटेन कर रहा है। और जैसा आप देखा रहेगा चाइना, हांगकॉन्ग चाइना भी 8 to 9 पोजीशन में आ गया है। और इंडिया इंडिया जो लास्ट पोजीशन में देखेंगे बहुत पीछे था, और अभी आप देखेंगे तो टॉप 11, अभी ये जो 11 पोजीशन पे आ गया है। तो ये 2018 का हो सकता है, इंडिया 2020 या 2024 तक हो सकता है कि टॉप 10 में भी आ सकता है। और जैसा मेजर जैसा इंडिया अभी इंडियन गवर्नमेंट ले रही है, तो उससे तो ऐसा लगता है कि इंडिया ग्रो करेगा। ओके गाइस, विद दैट आई लाइक टू कंप्लीट द